अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रखे हो मेरे दुश्मन? पापा बाढ़ जल रहे हैं यार। अरे मैडम ये तो खुशी की बात है ना, अपन दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ तो कम से कम अपने को पूरी दुकान मिलेगी। कसम भोजनालय की, हवारा चौक जैसे धंधा कई नहीं है, कई नहीं कह रही हूँ मैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि फव्वारा चौक इंदौर की शान है, इंदौर की शान है। वाह वाह वाह, पहली बार किसी मर्द ने बोला और अच्छा भी लगा, वरना ये तो बर्थडे कार्ड भी देने आए तो लगता है कि तेरे भी का इनविटेशन लेकर आया है। अब स्कोर हुआ है मालिक 2 और रमा जी 3। अबे माखड़े, तेरी सारी गणित मुझ पर ही आकर अटकती है, हैं? ये पापा। सॉरी भैया। अभी अभी तो फव्वारा चौक में आए थे और अब फव्वारा चौक टूट भी रहा है। आइडिया। क्या जो ही फव्वारा चौक तोड़ रहे, क्यों ना हम उसके आई ड्रॉप में तेजाब मिला दें और फिर उसको दिखना तो बंद ही हो जाएगा और वो गलती से धोखे से बगल वाला मदन चौक फोड़ देगा। अच्छा आइडिया। रिद्धि मैं ना तेरे लिए कसम से मन्नत मांगूंगी अब कि तू लोगों को जन्नत पहुंचाने वाले काम ना करे। क्यूट तो आइडिया था। बिल्कुल भी नहीं, अब कोई पसंद नहीं आया। क्यूट था। डाल सकते तेजाब। बहुत गलत हो रही है भैया, बहुत सारी यादें जुड़ी है अपन की फुहारा चौक से। इतना सा था फुहारा चौक जब अपन इधर आए थे। क्या? अबे चूने, कहने का मतलब है कि अपन इतने से थे जब फुहारा चौक आए थे। पहली बार अपन यही तो जख्मी हुए थे भैया, कुछ भी नहीं था इधर। क्या था? बस 24 दुकानें, 3 अस्पताल और 1 स्कूल। ये समझ लो भैया, पान की टपरी के लायक भी डेवलपमेंट नहीं थी फव्वारा चौक पे। यार मैंने फव्वारा चौक पे एक दौर देखा, मैं तब से यहाँ पे हूँ जब आमिर भाई छाती पे पेंट पहनते थे और तब भी हूँ जब आमिर भाई कमर पे पेंट पहनते, तब भी रहूंगा जब आमिर भाई कमर से। बस बस या बस आराम से। और कितना उबलोगे? ज्यादा उबल रही है। हाँ? वैसे अशोक अंकल, आपकी तो बचपन की कोई यादें होंगी नहीं ना। हाँ आपकी तो बचपन की कोई यादें होंगी नहीं ना। वैसे अब ये एक ही सवाल जो तुम दोनों ने पूछा है उसका मैं एक ही जवाब दूं या तुम दोनों को अलग अलग जवाब दूं? ये बुजुर्ग है ना, आप एक ही से काम चला लो। आप मुझे बताओ कि बचपन में तो आपकी कोई यादें होंगी नहीं ना। क्यों नहीं होगी भाई, मेरा भी बचपन था। ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ही मैं पेंशन की लाइन में खड़ा हो गया था। अरे क्या हसीन बचपन था मेरा। मुझे आज भी याद है, अपने बाबूजी के साथ मैं ये फव्वारा चौक आया करता था बटाशे खाने। बटाशे पसंद है आपको? हेलो मम्मी, आप क्या सोच रहे हो तब से? क्या हो गया? मैं सोच रही हूँ जितना भी वक्त मैंने फव्वारा चौक में बिताया है, फव्वारा चौक टूटने की खबर सुनकर मेरा दिल भी टूट गया है। आया तो मैं यहाँ बड़ा शेफ बनने था, लेकिन अब रिद्धि सिद्धि का पति बनना है। पर अगर ये चौक टूट गया तो मैं रिद्धि सिद्धि से अलग हो जाऊंगा और फिर नहीं, नहीं, नहीं! मैं ये चौक नहीं टूटने दूंगा पापा। क्या उसके लिए मुझे भूखा रहकर अनशन ही क्यों ना करना पड़े?
नहीं टूटने दूंगा। क्या खोपड़ी पाई है भाई, अनशनी कर ले ताकि हमारा जमाजम कैफे बंद हो जाए। सब भूखे मरेंगे तो खाएगा कौन? बेवकूफ कहीं का, एक बात बता, तेरे आइडिया हमेशा दुश्मन फ्रेंडली क्यों होते हैं? अरे जरूरी थोड़ी है कि भूखे रहकर ही अनशन किया जाए है? टॉयलेट में बारी बारी से जाएंगे और खा कर आगे बैठ जाएंगे। ए, मीडिया बहुत तेज है भैया, हेडलाइन चला देगी। जब लोग कुछ खा पी नहीं रहे तो बार बार बाथरूम क्यों जा रहे? लगता है फवारा देवी को किसी मर्द की नजर लग गई है। मर्द ही क्यों? क्योंकि मर्दों की नजर होती है बुरी। रमा मैडम, आपकी बात सुन के मेरे को भी कभी कभी लगता है कि अपने ऑटो वाले को तलाक दे दूं। ये फवारा देवी, ये सब क्या हो रही है? आप ही कोई रास्ता निकालो। क्या आप चाहती है हम यूं ही इसी तरह यहाँ दुकान लेस बैठे रहे? फवारा देवी जी, जल्दी कोई रास्ता निकालो हमारे लिए। मालिक, मालिक मिल गया रास्ता। मालिक, मैं वीडियो बना रहा था, देखो मुझे क्या मिला है। बेशरम, अब तू पोस्टर चुराने लग गया है? ये दिन आ गए तेरे। मालिक पोस्टर नहीं है, हमारे एरिया का एमएलए है माखन लाल अग्रवाल। हम इस एमएलए के खिलाफ हमारे फवारा चौक को बचाने के लिए बिगुल फूकेंगे। ये क्या नाम लिया तूने? माखनलाल अग्रवाल। अभी ये तो मक्खी है। अरे मक्खी नहीं मालिक, पीछे देखो, मक्खी के पीछे। अरे मक्खी के पीछे जो है माखनलाल, वो ही मक्खी है। अरे ये मेरे स्कूल का दोस्त है। एमएलए का पोस्टर भी तुमसे महंगा होगा, तुम कहां से इनके दोस्त हो गए? अरे बड़ी बात, मैं सच्ची कह रही हूँ, ये मेरे स्कूल का दोस्त है। एक नंबर का हावरट था ये, मेरा टिफिन खा जाता था ये। हाँ वाह मक्खी मक्खी, अब तुझे मेरे नमक का कर्ज चुकाना होगा। वाह मेरे लाल, क्या बात है जियो, क्या खबर दी है तूने। भाइयों, हमारा चौक के वासियों, अब किसी को अनशन पे बैठने की जरूरत नहीं, कोई अनशन पे नहीं बैठेगा। क्या बात है पापा, अब स्कोर हो गया है आपका 100 और रमा का 0। आँख भरी करेगा नहीं तू? मैं सच्ची कह रही हूँ, आँख भरी आँख भरी। मालिक चलिए वरना वो लट भी मारेगी। बड़े कहीं का फव्वारा चौक तोड़ने का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। पर सर वो अशोक आपका दोस्त, वो भी वही रहता है? जानता हूं, बड़े सालों बाद बदला लेने का मौका आया है, छोड़ूंगा नहीं। कल अशोक की सबसे बड़ी दुश्मन रमा और उसका सबसे पुराना दोस्त एमएलए एक चौक में होंगे। का होगा कल? एक खुला खूंखार आसिक का करेगा? ये पता करने के लिए आप लोगों को खुद ही आना पड़ेगा फव्वारा चौक पे। फव्वारा चौक, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, दंगल प्ले ऐप पर।